हाय अनुज, हाय साई, मिहिर, हाय मयंक, हाय पिंकी, हाय आदर्श, हाय अनुज, हाय आशीष, हाय विधि, हाय राहुल, हाय सिमरन, हाय शुभ लक्ष्मी, हाय बिकुल, हाय रवि, हाय प्रत्यक्ष, हाय नम्रता, हाय विशाल, हाय अक्षय, हाय शुभम, गुड मॉर्निंग एवरीवन, हाय नेहा, हाय शिवांग, हाय विनोद, हाय आयुष, हाय हाय रमा, हाय विशाल, हाय निशा, हाय रिंकल, हाय आदित्य, हेलो कांक्षा, गुड मॉर्निंग सिमरन, गुड मॉर्निंग विशाल, या गुड मॉर्निंग एवरीवन, हाय फियोना, हाय खुशी। चलिए जी, पढ़ाई करने के लिए आई होप तैयार हैं आप लोग। आज एक बहुत जबरदस्त क्लास है जिसका नाम है एल्जेब्रा फॉर कैट एंड द टॉपिक इज सीक्वेंस एंड सीरीज। फाइन गाइस, तो ये एपी और जीपी आपने पढ़ा होगा ना 10th क्लास में, उसी का ही रिफ्लेक्शन है। ठीक है, तो एपी और जीपी जो आपने पढ़ा है ये उसी का रिफ्लेक्शन है, अर्थमेटिक सीरीज और ज्योमेट्रिक सीरीज, एपी एंड जीपी। फाइन, हाय ऋषभ, हाय श्रीशा, हाय अर्चित, हाय सैयद। सो गाइस, जैसा आप जानते हैं एल्जेब्रा की वेट कैट में कितनी है, मतलब क्वांट सेक्शन का 35% लगभग एल्जेब्रा होता है। ठीक है ना। हाय दिव्या, गुड मॉर्निंग शीशा, हाय सर्वेश, हाय तीर्थ। सो 35% ऑफ योर सिलेबस इज एल्जेब्रा। फाइन, आज वैसे 13 तारीख है और लॉकडाउन खत्म होने में कितने दिन बचे हैं, पहला क्वेश्चन। हाउ मेनी डेज आर लेफ्ट फॉर द लॉकडाउन टू बी ओवर। तीर्थ इज सेइंग 17, राहुल इज सेइंग 1, आकांक्षा 1, दिव्या 17। 17 इन गुजरात, ओके। पता नहीं महाराष्ट्र का बड़ा बढ़ाया है 2 मई तक। ऋषभ इज सेइंग 17, श्रीशा 17, हाय अभिजीत 17 इन मुंबई। नेहा इज सेइंग नेक्स्ट 1 to 2 मंथ्स, 30th अप्रैल। या फाइन, तो पहला क्वेश्चन बढ़िया निकला ना, लॉकडाउन खत्म होने में कितना समय बाकी है। हाय कार्तिकेय, हाय स्नेहा। सो गाइस, है ना, सच में पता है कि सिचुएशन पता नहीं, द आंसर इज डोंट नो, आई डोंट नो, बिकॉज आर यू श्योर दैट द लॉकडाउन विल बी ओवर इन 1 डे। द आंसर इज आई एम नॉट श्योर। फाइन, यही प्रॉब्लम है, हम लोग श्योर नहीं हैं, डेटा इनसफिशियंट। यस, तो भाई ये बड़ी भारी समस्या आ गई है ना लॉकडाउन वाली। पर यही है, देखो आपको एक बढ़िया बात बताता हूं, आपने इजैक न्यूटन का नाम सुना है, इजैक न्यूटन,
1600 वाली शताब्दी में 1650 के आसपास एक और भयानक बीमारी फैली थी, राइट? यस तीर्थ, एक और भयानक बीमारी फैली थी, मे बी चूहों से फैली थी या क्या हुआ था, स्पैनिश फ्लू, हाँ राइट, स्पैनिश फ्लू, इसके बारे में कुछ लोगों ने सुना भी होगा। तो उसकी वजह से सब कुछ, एवरीथिंग वॉज अंडर लॉकडाउन, देर वॉज कंप्लीट लॉकडाउन एट दैट टाइम ऑल्सो। या प्रियम कह रहे हैं 1919 में 2 साल के लिए हुआ था, यस प्रियम, यस यस यस, देर वॉज कंप्लीट लॉकडाउन फॉर अ ईयर। तो लॉकडाउन में क्या हुआ, लॉकडाउन में हुआ द बर्थ ऑफ सर इजैक न्यूटन, मतलब उनको अपने साथ दुनिया छोड़कर बहुत टाइम मिला। तो ये जो टाइम उनको मिला ना खूब सारा अपने साथ, इसमें उन्होंने अपनी पर्सनालिटी डेवलप कर ली बहुत बढ़िया, और रिसर्च कर ली, जो सीखना था सीख लिया। तो गाइस यही स्वर्ण अवसर किसी किसी की जिंदगी में कभी कभी आता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप में से भी कोई एक इजी एक न्यूटन निकलेगा इस लॉकडाउन के बाद, है ना, किस रूप में पता नहीं, पर निकलेगा जरूर इस साल भी। बिकॉज सी यही होता है, यही सच्चाई है, यही ट्रेंड है। When you get lot of time with yourself, you can develop yourself to a great extent. Yeah, Sanket, definitely books bataunga main. Hi Himalaya, hi Silvant. Yeah, hi Priyam. हाँ तो वही होता है ना, जब तक वैक्सीन नहीं आती है, हमारी वैक्सीन कब एक्सपेक्टेड है, वी आर एक्सपेक्टिंग वैक्सीन इन 2021, और वैक्सीन आके सबको मिलने में भी 3-4 महीने लग जाएंगे। सो गाइस, जब तक वैक्सीन नहीं आती है तब तक आप सब खतरे में होते हो, तो पता नहीं लॉकडाउन कब तक चलेगा, है ना, हो सकता है इंडेफिनेट ना हो, राइट? तो गाइस पूरा फायदा उठाइए इस समय का, लॉकडाउन का। इसीलिए मैं आपका प्रियम, एक्सपेक्टेड तो यही है कि नवंबर में होगा, मगर अगर 1-2 महीने आगे पीछे भी हुआ तो भी आप तो तैयार हो ना, फिर क्या दिक्कत है। नहीं तीर्थ, सबकी वैक्सीन बनती है, सबकी वैक्सीन बनती है, ऐसा नहीं है कि बैक्टीरिया की बनेगी वायरस की नहीं बनेगी। आपकी बॉडीज में जो लड़ने की शक्ति होती है ना चीजों से, उससे वैक्सीन तैयार की जाती है। तो वो बॉडी के लड़ने की शक्ति बढ़ाने का तरीका होता है, मतलब आपकी बॉडी इतनी स्ट्रांग हो गई उसको इस वायरस से फर्क नहीं पड़ रहा, तो वैक्सीन का मतलब ये होता है। हाय श्याम, हाय चेतन, नहीं मतलब पता नहीं यार, मतलब आप ऐसा अज्यूम मत करो कि 1 साल होगा, डोंट अज्यूम एनीथिंग, लेट द गवर्नमेंट टेल एवरीथिंग। बट मैं बोल रहा हूं जितने भी टाइम का लॉकडाउन है, 1 महीने का या 2 महीने का या 15 दिन का, जितना भी है, वी डोंट नो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, वी आर जस्ट लुकिंग एट द हिस्ट्री, फाइन। या इम्यून सिस्टम अच्छा होने से बहुत फर्क पड़ता है, बट डोंट टेस्ट योर इम्यून सिस्टम, ओके, डोंट टेस्ट योर इम्यून सिस्टम। चलो गाइस पहला क्वेश्चन करते हैं, 1/1 × 2 +1/2 × 3 +1/3 × 4 एंड सो ऑन, 1/99 × 100। गाइस दिस क्वेश्चन केम इन कैट 2000, यानी कि आज से बिल्कुल सही 20 साल पहले यह क्वेश्चन कैट में आया था, ठीक है। तो हम एक 20 साल पुराने क्वेश्चन से शुरुआत कर रहे हैं आज के दिन की, और आपको मिलेंगे 4 क्वेश्चंस। आपकी मर्जी है विशाल, जहां आपको लगता है सही है वो करो, इट्स अप टू यू।
ये लो भाई ऑप्शन बना दिए मैंने आपके लिए। या दिव्या दिस इज एल्जेब्रा, फाइन। तो ये पहला क्वेश्चन है सीक्वेंस एंड सीरीज का और ये कैट 2000 में आया था, फाइन। चलो पॉल के लिए तैयार हो जाओ। हाय निधि, हाय वंशिका, हाय उपासना, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। यस आदित्य, ये प्लस क्लासेस एलजेब्रा की अलग होंगी। एक्चुअली जो ये स्पेशल क्लासेस है ना, दे ऑल्सो वर्क लाइक अ बेसिक क्लास, सो दे विल हेल्प यू इन सम वे और द अदर। गाइज प्लीज सबमिट योर आंसर। अगर आप प्लस लोगे तो भी आपको ये हेल्प करेगी। वेरी नाइस गाइज, लॉट ऑफ यू हैव रिस्पॉन्डेड, दैट्स अमेजिंग रिस्पॉन्स फ्रॉम योर साइड। चलो देखते हैं इसको नाउ। इसमें करना क्या है, जिनको नहीं हुआ देख लो जरा, जिनसे हर टर्म को दो हिस्सों में तोड़ो आप, वन अपॉन वन माइनस वन अपॉन टू। क्या मैं पहली टर्म को ऐसे तोड़ सकता हूं, से यस और नो। इफ आई विल टेक द एलसीएम आई विल गेट बैक द सेम थिंग, सो कैन आई ब्रेक द फर्स्ट टर्म लाइक दिस, यस। सिमिलरली आई कैन ब्रेक द सेकेंड टर्म ऑल्सो इन टू टू पार्ट लाइक वन बाई टू माइनस वन बाई थ्री एंड द थर्ड टर्म लाइक वन बाई थ्री माइनस वन बाई फोर एंड इफ आई कीप ऑन डूइंग सो द लास्ट टर्म आई विल ब्रेक विल बी वन बाई नाइनटी नाइन माइनस वन बाई हंड्रेड, फाइन। हायर आ गया, तो मैं सारी टर्म्स को ऐसे तोड़ दिया दो दो पार्ट में। एलसीएम लेंगे तो वापस वही आ जाएगा ना जो ऊपर था, बट ऐसा करने का फायदा क्या हुआ, फायदा ये हुआ कि 1 बाई टू कट गया, 1 बाई थ्री कट गया, 1 बाई फोर कट गया, सब कट गया, सिर्फ फर्स्ट और लास्ट नहीं कटा। सो योर आंसर विल बी 1 माइनस 1 बाई हंड्रेड, दैट विल बी 1 माइनस 0.01, दैट विल बी 0.99। सो गाइज विच ऑप्शन इज 0.99, ऑप्शन सी। सो योर आंसर इज ऑप्शन सी। अभी समझ आ गया, तो ये एक स्पेशल सीक्वेंस है ना, ये एक स्पेशल सीक्वेंस है। तो ऐसे क्वेश्चंस बहुत पहले कैट में आते थे, मगर अब भी अगर आएगा ना तो इसका डिफरेंट फॉर्म आएगा, आप ये नहीं कह सकते कि अब नहीं आएगा ये। या प्रियम यू कैन डू दैट ऑल्सो, बैंक एसएससी में भी आते हैं, पर कैट में ये लॉजिक कैट में ही आया है आज तक जो आपको बता रहा हूं, बाकी जगह कम दिखाई दिया है। हाय चंद्रादित्य, हाय साहिल, हाय ऋषभ। सो गाइस क्वेश्चन नंबर टू फॉर यू, इस बार सीरीज है वन प्लस थ्री अपॉन वन इंटू फोर प्लस फाइव अपॉन फोर इंटू नाइन प्लस सेवन अपॉन नाइन इंटू थर्टीन नाइन इंटू सिक्सटीन एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी। ये सीरीज इंफिनिटी तक जा रही है, यू हैव टू फाइंड द सम ऑफ द सीरीज। तो पहले वाले क्वेश्चन का ही भाई है ये, देखना है कितने लोग दिमाग लगा पाते हैं और कर पाते हैं, फाइन। दिव्या मैंने लास्ट टर्म को दो भाग में स्प्लिट किया था ना, सो वन अपॉन 99 माइनस वन अपॉन 100 स्प्लिट हुआ था, एलसीएम लेने के बाद दोबारा से वही आ जाएगा जो पहले था। हाय मनीष, निधि आज सीक्वेंस का पहला दिन है, फर्स्ट डे फर्स्ट क्लास ऑफ सीक्वेंस, फाइन। सो चिंता मत करो, आपसे क्वेश्चन हो जाएंगे, आपको सभी लोगों को 100% समझ आएगा, बस आपको कोशिश करनी है पेन पेपर लेकर अच्छे से, डरना नहीं है, डरने से काम खराब होता है। ट्राई करो भाई इस क्वेश्चन को, ऑल ऑफ यू।
मयंक का हो गया, वेरी नाइस मयंक। ऑप्शन देता हूं मैं आपको, पहला ऑप्शन है वन, दूसरा ऑप्शन है टू, तीसरा ऑप्शन है 1.99, चौथा ऑप्शन है नन ऑफ दीज। राइट, आ गया। आपको आंसर यहां नहीं डालना है, आप यहां पे बस ये डालो कि हो गया, डन है ना। आंसर पॉल में डालो, नहीं तो फिर मजा नहीं आएगा, आधे लोग ट्राई नहीं करेंगे। चलो गाइस, प्लीज पुट योर आंसर इन द पॉल। हाय नेहा, नो प्रॉब्लम आदर्श, हम डिस्कस करेंगे, आप कर सकते हो वैसे इसको। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। हाय प्रियंका, वंडरफुल परफॉर्मेंस गाइस, 69% गॉट इट राइट। हाय अपूर्वा, दैट्स अ गुड नंबर, वेरी नाइस गाइस। हाय प्रतीक, देखो पहले टर्म को वन रहने देते हैं, दूसरे टर्म को लिखते हैं 1/1 - 1/4, थर्ड वाले को लिखते हैं 1/4 - 1/9। देखो एलसीएम लेने के बाद दोबारा वही आ जाएगा, आप समझने की कोशिश करो, आप इनको दो पार्ट में तोड़ रहे हो ना, आप इनका एलसीएम लो। सो एलसीएम लेने के बाद आपको वापस ऊपर वाला ही आ जाएगा, है ना। ऐसे ही अगले वाले को तोड़ेंगे तो 1/9 - 1/16 होगा, और ये सीरीज इंफिनिटी तक चलती रहेगी। गाइज ये पहला स्टेप है, पहला स्टेप ये है कि आप हर टर्म को दो पार्ट में तोड़ेंगे। क्यों तोड़ेंगे? ताकि हम कैंसलेशन कर सके। ये कैंसलेशन वाला क्वेश्चन है जिसमें सब कैंसल हो जाता है। फाइन गाइज, तो आप देखिए यहां पर क्या हो गया, 1 + 1 - 1/4, एलसीएम लिया तो वही 3/4 आ गया, 1 - 1/4 - 1/9, एलसीएम लेंगे तो नीचे 36 ऊपर आएगा 5, वही आ गया ऊपर वाला, है ना। तो ये सेम है भाई, तो बस अब कुछ भी नहीं बचा, ये सब कट जाएगा, सब कट जाएगा, सिर्फ पहली दो टर्म बचेंगी, 1 + 1 दैट इज 2, सो आंसर विल बी ऑप्शन बी। तो याद रखिएगा ऐसे क्वेश्चंस पेपर में आते हैं। हाय सचिन, मैं आपको एक और क्वेश्चन दे रहा हूं आपको इस बार। सो इस बार का क्वेश्चन है, उसकी कैटेगरी है वेरी इजी, वेरी वेरी इजी, एक और वेरी लगा दो मेरी तरफ से, ठीक है, देखते हैं कौन सही कर पाता है। 1 - half multiplied by 1 - 1/3 multiplied by 1 - 1/4 and so on till 1 - वन बाई इलेवन, ये है आपकी सीरीज। आपको बताना है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस। देखने में काफी खतरनाक लग रहा है ये, पर है नहीं जो दिखता है वो होता नहीं है, जरूरी नहीं है। आपने वो सुना ही होगा, हर नीली टिकिया ऋण नहीं होती, हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होती, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। या ऋषभ, आप कह रहे हो लास्ट टर्म बचेगा, जब आप इनफाइनाइट तक जाओगे ना तो लास्ट टर्म तक आप पहुंच ही नहीं पाओगे, कटता ही चला जाएगा। ओके ऋषभ, लास्ट तक आप जा ही नहीं पाओगे, लास्ट तक तब सब कट जाएगा। हाँ गाइस, मैं ऑप्शन बनाता हूं, रुक जाओ जरा, रुक जाओ। पहला ऑप्शन है वन, दूसरा ऑप्शन है 0.1, तीसरा ऑप्शन है 0.9 और लास्ट ऑप्शन है 0.111। चलो इतना ही सही है
You have to choose the best option. Choose the best option. That is the question. Fine, मैंने option जानबूझकर थोड़े अलग से बनाए हैं. या जानबूझकर शायद आपका जो आंसर आ रहा है वो ऑप्शन में होगा ही नहीं. सो चूज द बेस्ट ऑप्शन है, इसीलिए बोल रहा हूं चूज द बेस्ट ऑप्शन. अब क्वेश्चन में कोई ना कोई ट्विस्ट तो डालना पड़ेगा ना. सिंपल, नमक की दाल किसे अच्छी लगती है? थोड़ा मिर्च, जीरा, प्याज, टमाटर का तड़का लगना चाहिए ना. So guys, your time starts now. देखो कितने लोगों का गलत करवा दिया मैंने. इतना आसान क्वेश्चन भी मैंने इतने सारे लोगों का गलत करा दिया. या सचिन, यस यू आर राइट. सो गाइस 36% गॉट इट राइट. फाइनली 36% लोगों का सही हुआ ये, और इसका क्रेडिट मेरे को जाता है. मैंने जानबूझ के ऑप्शन ऐसे बनाए हैं. देखो पहले वाला क्या है, 1 - 1/2 सॉल्व करेंगे तो हाफ आएगा. दूसरे वाला 1 - 1/3 करेंगे तो 2/3 आएगा. तीसरा 1 - 1/4 करेंगे तो 3/4 आएगा, एंड सो ऑन. लास्ट में 10/11 आएगा. अब आप ध्यान से देखिए, ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, तो ये इससे कट जाएगा. बचेगा क्या? 1/11. 1/11 क्या होता है? 0.09 होता है. तो 0.09 इज क्लोजेस्ट टू विच ऑप्शन? दैट इज 0.10. सो विच ऑप्शन इज दिस? ऑप्शन बी. दैट्स ऑल गाइस, सो इजी. ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं बताओ पेपर में, है ना? शर्म आनी चाहिए ऐसे क्वेश्चनों को. इतना आसान. चलो भाई, यार क्वेश्चन बहुत आसान है यार, बहुत आसान. पर मैंने जानबूझकर ऑप्शनों के साथ खेल खेला थोड़ा सा. मैंने कहा आपको फंसाया जाए थोड़ा सा. चलो भाई, चलो 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 अगला क्वेश्चन करते हैं. क्वेश्चन नंबर 4. ये क्वेश्चन जनरल नॉलेज का है, जीके. देखना है कौन इसको सही कर पाता है. ठीक है, ये मैथ्स का क्वेश्चन नहीं है, पहली बता रहा हूं. एक सीरीज है x - a (x - b) (x - c) एंड सो ऑन अप टू x - z. इसका वैल्यू निकालना है आपको, और आपको मिलेंगे 4 ऑप्शंस. 0, 1, x की पावर 26 एंड x into 26 factorial. फाइन. अरे बहुत आसान, जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है, पहली बता दिया मैंने. तो घबराने वाली कोई बात ही नहीं है इसमें. आपको जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है, दिमाग लगाना है और कुछ नहीं करना. और मैं उम्मीद करता हूं ये सब लोगों का ठीक हो जाएगा. योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. हो, ये तो बहुत इधर गलत हो गया. केवल 19% छात्र, 20% छात्र सही कर पाए इसको. बहुत नाइंसाफी है भाई. तुम लोग तुक्का तो नहीं मारते, दिमाग बिल्कुल नहीं लगाते हो क्या? अरे थोड़ा भी दिमाग लगाओगे तो आ जाएगा यार. कम ऑन, ऐसा लग रहा है कि तुक्का मारते हो. या आंसर देखकर समझ आ गया ना. देखो जब ऐसे लिखोगे तो बीच में एक टर्म आएगी ना, x माइनस एक्स,
तो एक्स माइनस एक्स क्या होता है? व्हाट इज एक्स माइनस एक्स? जीरो. एंड जीरो मल्टीप्लाइड बाय एनीथिंग विल बी व्हाट? जीरो. तो मैंने कहा था भाई पहले ही ये जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है. एक्स माइनस ए, एक्स माइनस बी, एक्स माइनस सी से एक्स माइनस जेड तक कर रहे हैं, तो एक्स माइनस एक्स भी तो करेंगे ना बीच में. तो एक्स माइनस एक्स क्या होता है? जीरो. हो गया. वो बता रहा था ये जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है, मैथ्स का नहीं है. हाँ, रिडल समझ लो इसको. दिस इज अ रिडल लाइक क्वेश्चन. फाइन. या चलो कोई नहीं, ऐसा अगला करते हैं. एक नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए. इस बार आपको सम ऑफ द एपी बताना है. सम ऑफ एन एपी, राइट? एक एपी का सम बताना है और सीरीज है 7, 13, 19 एंड सो ऑन टिल 97. आपको इस एपी का सम बताना है क्या होगा. फाइन. आपको मिलेंगे चार ऑप्शंस. हमेशा की तरह आपकी मदद करने के लिए मैं आपको हिंट दे सकता हूं. हिंट है कि सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एपी का फॉर्मूला होता है एन बाई टू टू ए प्लस एन माइनस वन डी. तो अगर कोई फॉर्मूला भूल गया है तो उसको रिवाइज कराने के लिए मैं दे रहा हूं. ये nth टर्म और सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला है. ये हिंट है आपके लिए, ठीक है? तो मैं आपकी देखो पूरी मदद कर रहा हूं क्योंकि मैं आपके पूरी तरह आपके साथ हूं. अब मेरे को जरा ऑप्शन बनाने दो. बना दिए मैंने ऑप्शंस. ट्राई कर लो सब लोग, फिर पॉल शुरू करेंगे. ऑल ऑफ यू ट्राई द क्वेश्चन गाइस. हाय शौर्य. ओके गाइस, काफी लोगों ने कर लिया है. वेरी नाइस. या शुभम, आई एम वेटिंग. हाय सक्षम, हाय प्रीति, आप लोग ट्राई कर लो पेन पेपर लेकर पहले, उसके बाद ही पॉल शुरू करेंगे. यार सब लोग ट्राई कर लो एक बार, नहीं तो किसी को मौका नहीं मिलेगा. ऐसा नहीं होना चाहिए. वेरी गुड रवि. हिमांशु, आंसर नहीं डालना है पॉल में. आप बस ये लिखिए डन. आंसर पोल में डालना मतलब कमेंट्स में नहीं डालना है. चलो गाइस पोल शुरू करते हैं. योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. वेरी नाइस गाइस, 64% ऑफ यू गॉट इट राइट नाउ. 56%. ओके, और भी आंसरों का इंतजार हो रहा है. जल्दी जल्दी करो भाई. वेरी नाइस गाइस, अच्छी बात है यार. आधी क्लास ने तो सही किया इसको. अब देखो मैं आपको इसका एक शॉर्टकट बताता हूं. लेट मी टेल यू अ शॉर्टकट फॉर दिस.
पहले प्रॉमिस करो, किसी को बताओगे नहीं। बहुत बढ़िया शॉर्टकट है, आपका आंसर हवा में आएगा, हवा में। किसी को बताओगे नहीं ना, सीक्रेट रखोगे ना। ठीक है, फिर तो चलेगा, फिर तो चलेगा। चलो अब देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से सुनना। द गैप बिटवीन द टर्म्स इज हाउ मच, सिक्स सिक्स। सो ये एक ऐसी सीरीज है जिसमें छ छ का गैप आ रहा है ना। तो छ छ का गैप आ रहा है, तो ये सारी टर्म ये क्या है बेसिकली, ये सिक्स का पहला मल्टीपल प्लस वन है, ये सिक्स का दूसरा मल्टीपल प्लस वन है, ये सिक्स का तीसरा मल्टीपल प्लस वन है, और ये सिक्सटीन सिक्स 96 प्लस वन है। तो इट मीन्स दैट दीज आर 16 टर्म्स। ये हो गई पहली बात। पहले बोलो हाँ या ना, ये समझ आया कि नहीं। हर टर्म में छे छे का डिफरेंस है, तो आपने सारी टर्म्स को छे के मल्टीपल के रूप में देख लिया। छे का मल्टीपल प्लस वन, छे का सेकंड मल्टीपल, छे का थर्ड मल्टीपल, और छे का 16th मल्टीपल। तो फर्स्ट मल्टीपल, सेकंड मल्टीपल, थर्ड मल्टीपल एंड 16th मल्टीपल ऑफ सिक्स, विच क्लियरली मीन्स दैट देर आर 16 टर्म्स। फाइन, अगर आपको ये समझ नहीं आया है तो एक और तरीके से मैं आपको ये बता रहा हूं, शायद दूसरे तरीके से आपको समझ में आ जाए। देखो, व्हाट इज द गैप बिटवीन द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म, द गैप इज 91 है ना, और गैप बिटवीन टू टर्म्स इज हाउ मच, सिक्स। सो 91 डिवाइडेड बाय 6 इज हाउ मच, 91 है नहीं, 90 है, सॉरी 90, हाँ 90 डिवाइडेड बाय 6 इज हाउ मच, 15 है ना। सो इट मीन्स देर आर 15 गैप्स, विच मीन्स देर आर 16 टर्म्स। तो ये दूसरा तरीका है नंबर ऑफ टर्म्स पता लगाने का। मतलब ये है कि पहले और लास्ट में कितना गैप है, 90 का, और दो कंसेक्यूटिव टर्म में कितना गैप है, 6 का। सो 90 डिवाइड बाय 6 क्या हो गया, 15। सो इट मीन्स देर आर 15 गैप्स। सो 15 गैप्स मीन्स 16 टर्म्स, राइट। आप देखो मेरी चार उंगली में कितना गैप है, तीन गैप है, तो तीन गैप है तो चार उंगली है, तो 15 गैप है तो 16 टर्म है। 15 गैप्स मीन 16 टर्म्स। फाइन, तो दो तरीके मैंने आपको बताए नंबर ऑफ टर्म्स निकालने के एपी के लिए। फाइन, अब देखो जादू, जादू क्या होगा, अगर 16 टर्म्स है ना, तो फर्स्ट और लास्ट का सम क्या है बताओ। सम ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट इज 104, द सम ऑफ सेकंड एंड सेकंड लास्ट विल ऑल्सो बी 104, द सम ऑफ थर्ड एंड थर्ड लास्ट विल ऑल्सो बी 104। सो 16 टर्म्स में 8 पेयर बनेंगे, हर पेयर का सम 104 होगा। सो 8 इंटू 104 इज 832, दैट्स योर आंसर। सो दिस इज अ ब्यूटिफुल वे ऑफ सॉल्विंग क्वेश्चन ऑफ एपी विदाउट टचिंग योर पेन। दिमाग लगेगा थोड़ा ज्यादा, बट आंसर बहुत जल्दी आएगा। फाइन, एक बार दोबारा बता देता हूं मैं आपको, पहले तो नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी है, वो 16 मैंने आपको दो तरीके से बताई, दोनों में से एक तरीका आपको पक्का समझ आया होगा। तो अगर 16 टर्म्स हैं, तो 16 टर्म्स में देयर विल बी 8 पेयर्स एंड ईच पेयर विल हैव अ सम इक्वल टू फर्स्ट एंड लास्ट, दैट इज 104। सो 8 इंटू 104 विल बी 832, सो योर आंसर इज 832 गाइस। फाइन, ओके विशाल, या ऐसे ही करना है यार। यार एक और क्वेश्चन करते हैं ऐसा ही, राइट। कौशिक फॉर्मूला मत लगाओ, दिमाग लगाओ, फॉर्मूले लगाओगे ना तो आप कभी बहुत बढ़िया नहीं कर पाओगे एबीजीपी के क्वेश्चन को। देखो, यू शुड बी एबल टू सॉल्व अ क्वेश्चन इन 10 सेकेंड्स, दैट इज ओनली पॉसिबल व्हेन यू यूज ब्रेन एंड नॉट द पेन। सो ट्राई टू यूज ब्रेन एंड नॉट द पेन, यू विल बी एबल टू गेट द आंसर इन 10 सेकेंड्स, आई प्रॉमिस यू दिस, आफ्टर ड्यू अमाउंट ऑफ प्रैक्टिस। सो एक क्वेश्चन और मैं आपको करा रहा हूं अपनी तरफ से, ऐसा ही करते हैं एक और।
26, 33, and so on up to 96. राइट आपको इस सीरीज एपी का सम निकालना है एंड यू विल गेट फोर ऑप्शंस. ठीक है जल्दी ट्राई करो बिल्कुल सेम है. या हाय सभ्यसाची हाय राज या गाइस करो जल्दी करो क्वेश्चन ये वाला ऑप्शन तैयार कर रहा हूं मैं आपके. रुको बन गए भाई ऑप्शन बी. वेरी नाइस गाइस इफ यू हैव डन इट. मैं उम्मीद करता हूं आपने बढ़िया नए तरीके से ही किया होगा. या इट विल बी फैबुलस इफ यू डू इट दैट वे. और इस क्वेश्चन के साथ आप और बढ़िया सीख लोगे उसको. Your time starts now. Very nice guys. 71% people got it right. Now 66. गलत हो जाता है काफी लोगों का मैंने देखा है. या मीर मेरे वाले मेथड से गारंटी है 10 सेकंड में सॉल्व होगा. आप दो तीन क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो बस. या अभी देखो इस वाले क्वेश्चन को करने से हमारी और भी प्रैक्टिस हो जाएगी ना उसकी. आप मुझे बताओ कॉन्सिक्यूटिव टर्म में डिफरेंस कितना है 7 और टोटल गैप कितना है. टोटल गैप 96 माइनस 19 77. तो 7 डिवाइड बाय 77 यानी कि 11 गैप्स हैं, यानी कि 12 टर्म्स हैं, यानी कि 6 पेयर बनेंगे. तो 6 पेयर बनेंगे. हर पेयर का सम फर्स्ट प्लस लास्ट विल बी 19 प्लस 96. सो 6 × 115 दैट विल बी 690. सो द आंसर विल बी ऑप्शन बी. दैट्स ऑल. या और दूसरा मल्टीपल वाले तरीके से नंबर ऑफ टर्म्स भी कर सकते हो. देखो आप ये 7 का गैप है ना तो ये क्या है 21 माइनस 2 है. सो 7 का थर्ड मल्टीपल माइनस 2 है. थर्ड मल्टीपल फोर्थ मल्टीपल और ये 14th 7 का 98 14th मल्टीपल है. सो 3 से लेकर 14 तक कितने मल्टीपल होंगे. पहले 14 में से दो गैप कर दो. पहले 14 माइनस 2 इज हाउ मच 12. सो दीज आर 12 टर्म्स. 12 टर्म्स मींस हाउ मच 6 पेयर्स. सम ऑफ ईच पेयर विल बी हाउ मच फर्स्ट प्लस लास्ट. That will be 115. So answer will be 690. That's all. अभी समझ आया भाई. सक्षम ने 7 × 2 + 5 का सीरीज बनाया. ठीक है सक्षम वो भी चलेगा. किसी भी तरीके से आप कर लो जो आपको अच्छा लगे. मैंने आपको दोनों बता दिए. फाइन बट फॉर्मूला नहीं लगाना है. फॉर्मूला लगाने से टाइम खराब होगा आपका. ठीक है चलो एक और करते हैं ऐसे ही क्वेश्चन. 15 टर्म बनेंगे सूरज तो 15/2 पेयर्स बनेंगे. 15/2 लिखेंगे वहां पे 15/2 7.5. यस या एक और क्वेश्चन करते हैं. चलो थोड़ा सा अलग कराऊंगा हम पहले वाले से.
11 plus 16 plus 21 and so on up to 11 terms. इस बार लास्ट टर्म नहीं दी हुई मेरे को, इस बार बोला है अप टू 11 टर्म्स दिया हुआ है, थोड़ा सा अलग दे रहा हूं, ट्विस्ट कर रहे हैं थोड़ा सा, देखते हैं अभी कौन कौन सही कर पाता है इसको. फाइन, बना दिए भाई ऑप्शन. हिमांशु सोचो, दिमाग लगाओ, मैं बताऊंगा आपको अभी, पहले आप दिमाग लगाओ अपना, पहले आप फिर मैं. Social school is saying 20 in Bihar. Okay. Yeah. So guys, let me start the poll. Your time starts now. चलो बढ़िया, 63% लोगों ने तो सही कर दिया, बाकी लोगों को मैं सही करवा दूंगा. ओके सिमरन, चलो मैं बताता हूं आपको सबको. लीडर बोर्ड देखना है, लीडर बोर्ड अभी तक ये स्थिति चल रही है, प्रत्याक्ष और वीरेंद्र ने छक्के मार रखे हैं, 7 के 7 क्वेश्चन सही अभी तक, विधि के 6 सही, मीर के 6, सर्वेश के 5, खुशी के 5, मयंक के 5, आशीष 5, सूरज 5 और ऋषभ जैन 5. वेरी नाइस गाइस. नो प्रॉब्लम यार, देखो क्लास में अभी आई थिंक 60 से ज्यादा बच्चे हैं, तो अगर आप टॉप 10 में हर कोई नहीं आ सकता है, पर लर्निंग सीख तो सब रहे हैं ना, एवरीवन इज लर्निंग, दैट इज गुड थिंग. फाइन, ओके अपूर्वा, या लर्निंग इज द एजेंडा, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग. आप सब लोग ये शॉर्टकट सीख रहे हो, ये दुनिया में मिलेंगे नहीं आराम से ढूंढने से भी. चलो गाइस, नो प्रॉब्लम, फाइन फाइन फाइन, करो सॉल्व करते हैं. चलो सो गाइस कैसे करेंगे, देखो पहले तो इसमें लास्ट टर्म नहीं मालूम मेरे को, है ना, यहां पे 11 टर्म्स तक है. सो एक गैप कितने का है, 5 का, द गैप इज 5, सो इन 11 टर्म्स देर विल बी 10 गैप्स of 5 each, so total gap will be 50, so 11 plus 50, the last term will be 61. ये हो गया पहला काम, पहले बताओ ये समझ आया कि नहीं आया. मैं बोल रहा हूं 11 term है, so there will be 10 gaps and each gap is 5,
So 10 fives are 50. The total gap will be 50. So pehli term agar 11 hai, to 11 mein jab 50 add karenge to 61 aayega. So matlab last term 61 hai, wo maine nikali gap funde se. Ab sum nikalne ka tarika kya hoga? 11 terms hain, to 11 by 2 pairs banenge. Every pair will have a sum which is equal to first plus last. So guys, this is 11 by 2 into 72. That is 11 into 36. That is 396. Which option is this? Option C. That's all guys. Aaya samajh? To main umeed karta hoon ki abhi aap aur bhi comfortable ho gaye honge isse. Series se. To maine aapko aapki dosti AP series se karwa di hai. Ya Amit, second method se janna chahte ho? Ya second part batau aapko? Okay Amit, I will explain. Dubara dekh lo bhai. Ek baar fir se bata raha hu. Dekho, gap kitne ka hai? 5, 5, 5 and so on. So, there are 11 terms. So, 11 term mein kitna gap hoga? 10 gap hoga. Aur ek gap kitne ka hai? 5 ka. To 5, 5 ke 10 gap honge. To total gap ho gaya 50 ka. Total gap 50 ho gaya, matlab 11 plus 50 kiya. To 61 aa gaya, last term aa gayi. बस अब सेकंड पार्ट में कुछ भी नहीं है. देखो अगर 11 टर्म्स आ रही हैं तो 11 by 2 पेयर बनेंगे. 11 टर्म्स मींस 11 by 2 पेयर्स एंड द सम ऑफ ईच पेयर विल बी फर्स्ट प्लस लास्ट दैट इज 11 प्लस 61. सो सम ऑफ द ईच टर्म ईच पेयर विल बी फर्स्ट प्लस लास्ट. सो 11 by 2 पेयर्स ईच पेयर एड्स अप टू 72. So 11 by 2 into 72, 11 into 36, 396. I hope abhi aa gaya hoga samajh. Very nice. Now guys, isse pehle ki main agla question karaun, ek avashyak suchna ki guys, aaj main algebra ka course start kar raha hun. I am starting algebra new course on Unacademy Plus. ठीक है, तो जो भी आप में से प्लस लेने की सोच रहे हैं उनके लिए ये बिल्कुल सही मौका है. जो लोग ऑलरेडी प्लस ले चुके हैं, आप में से अगर प्लस वाले स्टूडेंट्स हैं इसमें, तो वो लोग इसको आज से स्टार्ट कर दें. जिन्होंने नहीं लिया हुआ वो आज ले लें, बिकॉज ये नया कोर्स स्टार्ट हो रहा है. इसकी डेली क्लास होगी और 11 बजे क्लास होगी और टोटल एलजेब्रा मैं आपका 24 क्लासेस में खत्म करा दूंगा और सिर्फ एक घंटे की क्लास होगी 11 से 12. सो गाइस आप सोचो एक घंटे की 24 क्लास में आपका पूरा एलजेब्रा बढ़िया से खत्म हो जाएगा और इस 24 क्लास में से 24 की 24 क्लास नहीं है, इसमें से देर आर एट इफ नॉट एट रूम जो हर तीन पर एक डाउट सेशन होता है ना, तो छह देर आर सिक्स डाउट सेशंस. मतलब 24 क्लास में से 6 डाउट सेशन है, मैंने कि एलजेब्रा में आपको 18 घंटे में पढ़ाऊंगा. या प्रियम परमुटेशन कॉम्बिनेशन का भी बता रहा हूं मैं आपको, ये तो आज की बात है, ये आज शुरू हो रहा है और डेली 11 बजे होगा. तो मैं नहीं चाह रहा किसी भी बच्चे की एक भी क्लास छुड़वाऊं. जिसको ज्वाइन करना है आज ही कर लो, लेट नहीं करना बिल्कुल भी, है ना. तो 6 डाउट सेशन है देखो 24 क्लास में से, तो मतलब पढ़ाई बहुत बढ़िया होगी. एंड देयर विल बी 3 क्विजेस, 3 बार आपका टेस्ट होगा. तो 3 टेस्ट होंगे, 6 डाउट सेशन होंगे, टोटल 24 क्लास होंगी एलजेब्रा के कोर्स में, है ना. इसके अलावा आफ्टर एवरी 3 क्लास आई विल गिव यू एन असाइनमेंट, सो यू विल गेट अराउंड 7 असाइनमेंट्स. आपको लगभग 7-8 असाइनमेंट्स मिलेंगे और बड़े बड़े असाइनमेंट नहीं है, ये छोटे छोटे असाइनमेंट्स हैं. ईच असाइनमेंट विल हैव अराउंड 15 क्वेश्चंस. तो अगर आप क्लासेस कर लो और असाइनमेंट कर लोगे तो तुम्हें एलजेब्रा आ जाएगा. फिर और प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी, मगर ये आपको आ जाएगा बढ़िया से, ये पक्की बात है.
फाइन गाइस, तो ये आपके लिए इंफॉर्मेशन है। आज एलजेब्रा का नया कोर्स स्टार्ट हो रहा है अनअकैडमी प्लस पे। जो लोग ऑलरेडी प्लस में हैं वो इसे मिस नहीं करेंगे, जरूर करेंगे। जो लोग प्लस में नहीं हैं, आज ही प्लस ले लो और जबरदस्त तरीके से पढ़ाई शुरू करो। बिकॉज आप खुद तो मेहनत कर रहे हो ना, आप मेरी क्लास करके देख चुके हो, शायद आप फायदा महसूस कर पा रहे हो। तो अगर एक स्पेशल क्लास में जिसमें मैं 50 मिनट पढ़ाता हूं उसमें आपको इतना फायदा हो रहा है, तो 24 घंटे में क्या होगा ये सोचो आप एलजेब्रा के लिए। और जब आप प्लस लोगे ना तो आप अनलिमिटेड क्लासेस कर सकते हो, अनलिमिटेड क्लासेस। फाइन गाइस, थैंक यू सक्षम। नाउ दूसरी इंफॉर्मेशन है कि मैं एक और कोर्स स्टार्ट कर रहा हूं, मॉडर्न मैथ्स, यानी कि परमुटेशन कॉम्बिनेशन वाला। ये स्टार्ट हो रहा है 16 अप्रैल, और इसकी क्लास होगी डेली 9:30 बजे, 9:30 PM डेली। ये दूसरा कोर्स है जो मैं स्टार्ट कर रहा हूं। सो गाइज, दो इंफॉर्मेशन आपको दे दी कि मैं कौन कौन से कोर्सेज स्टार्ट कर रहा हूं। तो अगर आपको ज्वाइन करना है अनअकैडमी, तो एक कोड याद रखना भाई, PT Sir 10। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, PT Sir 10 कोड याद करो, आपको मिलेगा 10% डिस्काउंट। 17,500 फीस है, डिस्काउंट के बाद आपकी हो जाएगी 15,750, ठीक है। और आपको डिस्काउंट मिलेगा और मेरा नाम बढ़ेगा, प्रवीण सर अच्छा पढ़ाते हैं तभी उनकी वजह से बच्चे ज्वाइन करते हैं। मॉडर्न मैथ्स फॉर हाउ मेनी डेज, या आई टेल यू, मॉडर्न मैथ्स विल हैव अराउंड 20 क्लासेस ऑफ 1 आवर, एक घंटे की 20 क्लास इसमें होंगी। फाइन अमित, यार मैं एलजेब्रा वाला कोर्स बेसिक से स्टार्ट करूंगा, मगर अगर फिर भी किसी को प्रॉब्लम आती है, जो कि जाहिर सी बात है, या प्रियम मैं आपके पॉइंट पे भी आता हूं, अगर आपको किसी को फिर भी प्रॉब्लम आती है, तो मैंने एलजेब्रा का बेसिक कोर्स भी रिकॉर्ड करके रखा हुआ है। बेसिक कोर्स में मतलब बहुत ही हल्के लेवल का है, 10th level 9th level का रिकॉर्ड करके रखा हुआ है। तो जिसको दिक्कत आती है मैं उसको कहता हूं, वो रिकॉर्डिंग भी देख लो आप। तो दिस इज हाउ आई हेल्प इफ यू आर फेसिंग प्रॉब्लम इन अंडरस्टैंडिंग अ हायर लेवल, बट अदरवाइज आपको आ जाएगा समझ। 80-90% लोगों को समझ में आ जाता है पूरा, 10-20% को रिकॉर्डिंग देखनी पड़ती है। या अब प्रियम की बात करते हैं, प्रियम 7 महीने तो कैट के लिए हैं, उसके बाद आपको जैट भी देना है, स्नैप भी देना है, और उसके बाद आपको इंटरव्यू की तैयारी भी करनी है। तो ये 1 साल का कंप्लीट पैकेज है, ठीक है। दूसरी चीज, अगर आप ध्यान से देखो तो फीस में फर्क नहीं है ज्यादा, 6 महीने की फीस 14,000 है, पूरे साल की फीस 17,500 है। तो आप ही बताओ किसमें फायदा है, 14,000 में या 17,500 में? आप पूरे साल के लिए सर्विसेज ले सकते हो, एक ही बार इन्वेस्टमेंट करनी है, ठीक से कर लो, 2-3 हजार का क्या फर्क देखना है। फाइन, चलो अब मैं आपको दूसरी इंफॉर्मेशन देता हूं भाई। कुछ लोगों ने मेरे से किताबें भी पूछी है, सर कौन सी बुक्स पढ़ाई करनी है। सो गाइज, आपको मैं थोड़ा गाइड कर देता हूं पढ़ाई करने के लिए, एंड दैट इज समथिंग रियली गोइंग टू हेल्प यू ऑल। सो दीज आर द बुक्स रिकमेंडेड, ये वाली बुक्स मैं रिकमेंड करता हूं भाई पढ़ाई करने के लिए। बेसिक मैथ्स करना है तो RS अग्रवाल की बुक आती है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की, वो ले लो। कैलकुलेशन इंप्रूव करनी है तो सीक्रेट्स बिहाइंड फास्टर कैलकुलेशन वाली बुक ले लो, प्रवीण त्यागी सर की है, वो मेरी है। मतलब इसके अलावा कोई और किताब है नहीं मार्केट में, तो मैं आपको कुछ और बता ही नहीं सकता हूं। तीसरा पजल्स, अगर आपको पजल्स करनी है, बेसिक स्ट्रॉन्ग करने की चीजें हैं तीनों, दीज आर फॉर बेसिक्स। सो पजल्स करने के लिए शकुंतला देवी की बुक आती है, पजल्स टू पजल यू, ये वाली बुक कर सकते हैं आप। या उपासना DI का भी कैलकुलेशन कोर्स मैं कराऊंगा, चिंता मत करो, सारा कराऊंगा, अभी से लेकर कैट तक मैं कम से कम 3-4 बार सिलेबस कराऊंगा, तो आपके सारे टॉपिक जो भी हो चुके हैं वो भी दोबारा हो जाएंगे, चिंता मत करो, बिल्कुल 2-2 बार हो जाएंगे, 3-3 बार हो जाएंगे। या मिहिर, ये 3 बुक मैंने बताई, कैलकुलेशन के लिए, रीजनिंग के लिए और मैथ्स के लिए, है ना। और फिर ऑल 3 सब्जेक्ट के लिए कोई किताब चाहिए आपको, तो प्रीवियस ईयर कैट पेपर्स की बुक ले सकते हो आप। इसमें GK पब्लिकेशन वाली बुक में गलतियां कम हैं, बट याद रखना है टॉपिक वाइज वाली लेना, प्रीवियस ईयर कैट पेपर टॉपिक वाइज।
तभी तो टॉपिक वाइज प्रैक्टिस कर पाओगे आप सही से, फिर उसके बाद टेस्ट सीरीज ले सकते हो आप अनअकैडमी की या फिर किसी और एक इंस्टीट्यूट की, या फिर दोनों ले लो, जितना ज्यादा लो उतना बढ़िया होता है टेस्ट सीरीज में तो। हाँ मेरी बुक अभी आपको मिल नहीं पाएगी, आई एम सो सॉरी, अभी लॉकडाउन की वजह से बुक भी लॉक हो गई है, पर आप ऑर्डर करके देख लेना, क्योंकि मैंने सुना है कि अमेजन और फ्लिपकार्ट कहीं कहीं डिलीवर कर रहे हैं, सो हो सकता है आपको डिलीवर हो जाए, ट्राई करके देख लेना एक बार। और अमेजन फ्लिपकार्ट सब अवेलेबल है, तो दीज आर द बुक्स रिकमेंडेड। और लास्ट लाइन तो आपने पढ़ी ली होगी, पीटी सर 10 कोड याद रखना भाई। हाँ डिलीवर हो रहा है सक्षम काफी जगह पे, हो भी रहा है नहीं भी हो रहा, मतलब दोनों तरह की सिचुएशंस हैं। तो आप लोगों ने बुक्स के लिए पूछा था मेरे से, तो गाइज मैंने आपको बुक्स की इंफॉर्मेशन दे दी है, फाइन। नेक्स्ट मेरा इंट्रोडक्शन, माई नेम इज प्रवीण त्यागी, आई एम इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर प्लस MBA, आई एम लखनऊ भी गया था थोड़ी सी पढ़ाई करने के लिए, 22 साल से पढ़ा भी रहा हूँ, 16 साल से कैट पढ़ा रहा हूँ, किताबें भी लिखता हूँ, कैट स्कोर भी ठीक ठाक है, और टीचर बेस्ट टीचर का अवार्ड भी मिला है 7 बार दिल्ली में, ठीक है, वही पुराना किस्सा बट इंट्रोडक्शन। चलो एक नया इंट्रोडक्शन देता हूँ, आई एम अमंग दी टॉप 5 फैकल्टीज ऑफ अनअकैडमी, टॉप 5 फैकल्टीज में नाम है, ठीक है, ये नया इंट्रोडक्शन हो गया, कुछ लोग बोर हो गए होंगे सुनते सुनते। एंड दिस इज द कोड, परमुटेशन कॉम्बिनेशन वाला नया 1 महीने के अंदर खत्म हो जाएगा, 1 मंथ में एल्जेब्रा और परमुटेशन कॉम्बिनेशन दोनों खत्म हो जाएंगे, ठीक है भाई। हाँ ठीक ठाक ही है। और ज्यादा भी कर सकते हो आप चाहो तो, स्कोर करने की कोई लिमिट थोड़ी होती है, या मॉक्स आप अनअकैडमी से भी कर सकते हो प्रियम, आप अनअकैडमी से भी मॉक कर सकते हो, आप कहीं और से भी ले सकते हो, और मैं बोलूंगा दो जगह के ले लो, क्या बुराई है, पढ़ाई करने के लिए तो पैसे खर्च करते हुए ज्यादा सोचना ही नहीं चाहिए, राइट। वेन टू स्टार्ट द मॉक आफ्टर कंप्लीटिंग 50% सिलेबस, कितने मॉक करने चाहिए, जितना है दम। जितना ज्यादा करोगे उतना अच्छा है, मिनिमम 20, मिनिमम 50 फॉर अ गुड स्कोर एंड 80 और 100 फॉर एक्सेलेंट स्कोर। अनअकैडमी प्लस लेने का फायदा, बहुत सारे डाउट सेशन मिलेंगे, क्विज मिलेंगे, बहुत सारे टीचर्स को आप एक्सेस कर पाओगे, स्ट्रक्चर्ड वे ऑफ पढ़ाई, डिटेल स्टडी ऑफ टॉपिक, मच चीपर देन एनी अदर कोचिंग, 17,000 फी फॉर 1 ईयर, 3,500 फी फॉर 1 ईयर, ऑन यूजिंग द डिस्काउंट कोड यू विल गेट 10% डिस्काउंट फर्दर, फाइन गाइस। एक और स्लाइड दिखाते हैं आपको बढ़िया सी, आपके लिए मैंने बढ़िया बढ़िया स्लाइड बना रखी है, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ ऑनलाइन कोचिंग। नंबर 1, अनलिमिटेड नंबर ऑफ क्लासेस, कितनी मर्जी क्लास पढ़ो, बताओ कितना पढ़ना है, कितना दम है, कितना पढ़ सकते हो बताओ। उसके बाद लॉट ऑफ डाउट सेशंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्चुअली बच्चों को डाउट सेशन नहीं मिल पाते किसी भी कोचिंग में, पेट भर के नहीं मिल पाते, थोड़े बहुत तो मिल जाते हैं। फिर वेरी लेस फी, लेस मनी एट रिस्क, फीस बहुत कम है, अराउंड 50 एजुकेटर्स यू कैन चूज फ्रॉम, जीरो ट्रेवलिंग टाइम, सो मोर टाइम टू सेल्फ स्टडी, बेटर स्टूडेंट फैकल्टी इंटरेक्शन, जैसा कि आप देख रहे हैं इस क्लास में भी हम लोग बहुत अच्छे से बात कर पा रहे हैं, सो देयर इज अ वेरी गुड इंटरेक्शन बिटवीन अस, तो ये आपको मिलेगा, एंड ओनली 1 आवर क्लास पर डे इफ यू डू इज ऑल्सो फाइन, सो दिस इज द बेनिफिट ऑफ ऑनलाइन कोचिंग। घर बैठकर 1 घंटे की क्लास लेनी है कोई बुराई नहीं है, और हर क्लास के बाद आपको सिर्फ 10 क्वेश्चन का मैं असाइनमेंट दूंगा, क्या बताओ कितना आसान है, 1 घंटे की क्लास करनी है और उसके बाद 10 क्वेश्चन का असाइनमेंट करना है, आसान है कि नहीं बताओ, सो दैट्स इट। सो गाइज अच्छा आपको मैंने वो दिया तो ग्रुप का लिंक नहीं दिया, अगर आप मेरे से संपर्क करना चाहते हैं, सो हाउ विल यू कॉन्टैक्ट मी, आई एम टेलिंग यू द गिविंग यू द लिंक,
मैं आपको लिंक दे रहा हूं भाई, तो अगर आप मेरे से संपर्क करना चाहते हैं तो आप मुझे मैसेज डाल सकते हैं। अरे भाई सोचो, प्रियम अगर 55,000 गए तो गए, अभी 15,000 और खर्च करके आपको पूरे साल की कोचिंग मिल रही है जो शायद उससे बेटर भी हो, है ना? तो क्या बुराई है यार, सोचो, जो गया वो तो वापस नहीं आ सकता, मगर करियर और टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपको कुछ और पैसे खर्च करके कुछ बढ़िया मिल रहा है तो ले लो, सोचो मत ज्यादा। आप एमबीए करने के लिए ना लाखों रुपए खर्च करोगे, 1,00,000 रुपए तक कोचिंग और फॉर्म वॉर्म में होते हैं, उसके बाद 15-20 लाख रुपए की फीस होती है एमबीए की, इतना पैसा आप लोग खर्च करने वाले हो, तो 15,000 और सही, हो सकता है ये 15,000 ही सिलेक्शन का कारण बने, हो सकता है ना। तो अगर आपका सिलेक्शन का चांस किसी भी चीज से बढ़ता है तो उसके लिए पैसे खर्च करने के लिए सोचो ही मत, बाकी आप सोचो, ये मेरी सलाह है। अगर आपकी जगह मैं होता तो मेरे को अगर 15-15,000 की 4 कोचिंग भी मिलती ना बाद में तो मैं तब भी कर लेता, क्यों यार, कहीं से कुछ तो एक्स्ट्रा मिलेगा ना मेरे को। तो मेरा सोच ये है, और मैंने हमेशा ऐसे किया भी है। मैं अपनी इंजीनियरिंग करते करते मैंने बहुत सारे कंप्यूटर कोर्सेज, ये वो दुनिया भर के कोर्सेज ज्वाइन करे थे, एनसीसी ज्वाइन करी थी, माउथ ऑर्गन बजाना सीखा और डांस सीखा, है ना, जुम्बा सीखा, बहुत कुछ सीखा मैंने। क्यों, अरे जहां जो मिल रहा है ले लो यार, है ना, जितना लोगे उतनी क्वालिटीज बढ़ जाएंगी आपकी, और आपकी क्वालिटी आपके ही काम आएंगी। नहीं प्रियम, बात आपको ही करनी है, खुद ही दिमाग लगाओ, अपनी जिंदगी की समस्याएं खुद ही सॉल्व करनी होती हैं, अपना दिमाग लगाओ, तुम्हारा दिमाग क्या कहता है वो करो जो दिमाग कहता है, और अपने साथ पेन पेपर लेकर बैठो रात को और खुद सोचो क्या सही है मेरे लिए क्या गलत है, जो आपका दिमाग कहता है ना फाइनली वो काम करो आप। मेरी बात नहीं मानो, किसी की मत मानो, पर मेरी बात से आपको सोचने का आइडिया तो मिला ना कि ऐसे भी सोच सकते हैं, इसलिए मैं आपको ये बात बता रहा हूं। फाइन, डिसीजन आपका है, लाइफ आपकी है, करियर आपका है, तो आप सोचिए आपके लिए क्या अच्छा है। और मैं तो बस एक लाइन का सलाह दूंगा, कभी भी अच्छा करियर दिख रहा हो तो पैसे के बारे में मत सोचना, क्योंकि करियर नहीं कमाया जा सकता, पैसा कमाया जा सकता है। यू कैन नॉट अर्न अ करियर, ये टाइम निकल गया तो निकल गया, कैट में नंबर आ गए जितने आ गए, है ना, तो बस वही है कि ये फिक्स है चीजें। तो गाइज यू कैन नॉट चेंज ऑल दिस, तो जो आप चेंज कर सकते हो उसकी कोशिश करो खुद करने की, मगर खुद सोचो, खुद डिसीजन लो तुम्हारे लिए क्या सही है वो करो, डोंट गो फॉर एनीवन्स एडवाइस, थिंक योरसेल्फ। फाइन गाइस, ओके जी, चलो, थैंक यू, बाय बाय। आई होप मैं आपकी क्लास में मदद कर पाया हूँ सीखने में नई नई चीजें, और आपको थोड़ा सा गाइड भी कर पाया हूँ। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग माई क्लास, कल मिलेंगे 10 बजे दूसरी क्लास में, डेली सुबह 10 बजे फ्री क्लास है, जितनी मर्जी करो। ओके जी, बाय बाय, थैंक यू आदर्श, ओके। राहुल का मिस हो गया शायद, ये लो राहुल, This is the link. If anyone has missed, you can join it. Thank you so much. Bye-bye.